धीरे धीरे भगवान आज बड़े हो रहे हैं। लगभग भगवान आज 6 महीने के हुए। तृणावर्त सत्ता सुन नाम के दैत्य का उद्धार भगवान ने किया है। अभी भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। सज्जनों, हमारे आपके यहाँ 16 संस्कार हैं। एक एक करके सारे संस्कार लुप्त होते चले गए। अब केवल 2 संस्कार बचा। क्या? एक विवाह और एक अग्निदाह। अब विवाह पर संकट और अग्निदाह पर तो और संकट। हाँ, दोनों पर संकट के बादल दिखाई पड़ रहे। कैसे? सच बताऊं, अब विवाह शहरों में जाओ देखो, 70-80% शहर में विवाह तो कोर्ट में हो जाता है। 10-20% विवाह होता है। 10-20% जो विवाह भी होता है ना, जब विवाह का लग्न होता है, विवाह का नक्षत्र होता है, मुहूर्त होता है, तब तक लोग गोलगप्पा खाते हैं। आज पूरा मुहूर्त समाप्त हो जाता है ना, भरणी भद्रा दुनिया भर का दोष जब आ जाता है, तो पंडित जी के पास आएंगे, पुरोहित के पास। पंडित जी, अब तो 4 बजने वाले हैं, थोड़ा जल्दी करिएगा। तो पंडित जी की क्या गलती, चाहे वर मरे चाहे कन्या, पंडित जी का दक्षिणा से काम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, सारी गलती आचार्यों की है, सारी गलती पंडितों की। यहाँ बताओ, जो आचार्य जो पंडित बन करके गया है, वो तो यही सोच करके गया, रात भर जा करके मैं वेद मंत्रों का बढ़िया बाजा बजाऊंगा, बढ़िया वेद मंत्रों का गायन करूंगा, रात्रि भर वर वधु के जीवन के सुखमय की कामना करूंगा। लेकिन उसके लिए हमारे आपके पास समय नहीं है। हमारे भैया ये आगरा से आए ना रिकॉर्डिंग करने के लिए, ये तो छोड़ दिए। हाँ, कैमरा वालों के लिए 4 घंटे का समय। हाँ, 4 घंटे लग जाता है शादी विवाह में। अब पंडित जी के पास पहुंच, पंडित जी 10 मिनट में विवाह हो जाता तो क्या बात रही। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आप बताओ, हाँ, कहां से कल्याण होगा? आप बताइए, संकट है कि नहीं विवाह पर? हाँ, संकट आ गया है। अब वरवधु का जीवन इसलिए सुखमय भी नहीं हो रहा है। इसलिए आप सबसे निवेदन करूं, अपने संस्कार को बचाओ। एक संस्कार और रह गया, बाकी सब लुप्त हो गए, वो है अग्निदाह संस्कार। उस पर तो इतना बड़ा संकट आ गया है कि उसको कहने में पीड़ा होती, कष्ट होता है। हमारे आपके यहाँ सनातन धर्म की परंपरा में ये संस्कार में 13 दिन का समय लगता है। 13वीं तक सजनों, माता पिता के किसी परिवार के सदस्य को संसार छोड़कर के चले जाने के बाद। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि 13 दिन का कार्य लोग 3 दिन में निपटा दे रहे हैं। हाँ, 3 दिन में 13 ही बार की सब हो जाती है। इसके पीछे का रीजन आप पूछेंगे क्या कारण है, तो लोग कहेंगे 13 दिन का किसके पास समय है। सच बताऊं, माता पिता की बनाई गई संपत्ति, मकान, दुकान, जमीन, गाड़ी, घोड़ा, बैंक बैलेंस, LIC आदि का जो भी बीमा आदि का बैलेंस है, सोना चांदी आदि को अपने नाम करवाने के लिए हमारे आपके पुत्रों के पास बरसों का समय मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बैंक का चक्कर लगाएंगे 6 महीने तक तो 10-20-50 लाख मिलेगा। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे 10-20 लाख का फायदा होगा, उसके लिए लोगों के पास 6 महीने का वक्त मिल जाता है। लेकिन जिससे माता पिता की आत्मा की तृप्ति होती है, उसके लिए लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं, छुट्टी नहीं है। अचानक कोई दुर्घटना घट जाती है तो लोगों के पास समय चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं, समय मिल जाता है। लेकिन माता पिता की आत्मा कि शांति जिससे होनी, उनकी आत्मा की तृप्ति के लोगों के पास समय नहीं। सजनों, एक बात नोट करके जाना, अपने संतानों से प्रार्थना करके जाना, ये भागवत कथा कहती है कि जीते जी अगर कुछ अव्यवस्था हो जाए तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे मर जाने के बाद 13 दिन का समय तो अवश्य निकाल लेना। हाँ, क्योंकि बिना 13वीं तक 10 गात्र का पिंडा दिए किसी भी जीव की आत्मा की तृप्ति नहीं होती है सज्जनों। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये तो और बड़ा संकट है, ये भी अंतिम संस्कार है सज्जनों। हाँ, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत तेज से कोई अगर संसार छोड़ के चला जाता है ना, तो 90% लोगों की 13वीं मात्र 3 दिन में हो रही है। गांव में बचा है, लेकिन अब वो परंपरा गांव में भी आ जाए। ये सारे संस्कार हमारे आपके जीवन से लुप्त हो गए। नामकरण संस्कार आज भगवान का होने जा रहा है, और भगवान के नामकरण संस्कार को करने के लिए गर्गाचार्य जी पधारे हैं। नंद बाबा जाके चरणों पर गिर पड़े। महाराज, हमारे यहाँ 2 बालक हैं,
दोनों का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी ने कहा इसे नहीं करेंगे, एकांत में चुपके से कराओ तो कर दूंगा। ठीक है, गौशाले के अंदर व्यवस्था की गई, यशोदा जी कन्हैया को और रोहिणी जी बलराम भैया को लेकर की गई हैं। सबसे पहला नाम आज गर्गाचार्य जी महाराज बलराम भैया का कर रहे हैं। और कहते क्या है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई अवाख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदो। ये रोहिणी का जो बालक है ना, रमयन सुहृदो गुणई, सबके हृदय में रमण करने वाला है, इसलिए इसका नाम राम होगा, लेकिन बल अधिक होने के कारण इसको लोग बलराम कहेंगे। एक नाम और होगा, एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में प्रविष्ट किया गया है, लाया गया, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए संकर्षण भगवान की। अब कन्हैया का नंबर आ गया, शुक्ल रक्त तथापि तो इदानीम कृष्णंगता। इस बालक का नाम कृष्ण होगा। कर्षयति आकर्षयति एन केन प्रकारणेन इत कृष्णः, भगवान का नाम कृष्ण हो गया। मैया यशोदा ने कहा और कुछ नाम का, इनके नाम की कमी नहीं होगी। इनके नाम अनेक अनुपा अमय नृप काव स्वमति अनरो। इनके नाम की कोई कमी होगी ही नहीं यार, अनेकों नाम होंगे। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज प्रस्थान करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भगवान धीरे धीरे और बड़े हो रहे हैं, लगभग आज कन्हैया 5 वर्ष के होने वाले हैं। तो भगवान ने एक लीला की है, वो लीला है सज्जनों माखन चोरी की लीला। लेकिन जब भगवान की लीला चल रही थी, संत जन कहते परम पिता परमात्मा नारायण ने माखन की चोरी की लीला किया। लोग कहते भगवान ने माखन चुराया। आज जितने लोग यहां बैठे हो, आप एक मिनट जरा विचार कीजिएगा, क्या भगवान जो सारे संसार का पालन करते हैं, सारे संसार का सृजन करते हैं, सारे संसार का संघरण करते हैं, दुनिया को बनाए, संसार की रचना किए, इस धरती पर जब अवतार लेंगे तो आप बताइए क्या परमात्मा माखन चुराएगा? गांव के चोर आजकल के सोना चांदी हीरा जवाहरात ढूंढते हैं, भगवान माखन चुराएंगे? भगवान को लोग कहते माखन चोर, भगवान ने माखन चुराया। मुझे लगता है जो लोग भगवान को माखन चोर कह के लोगों के दिल दिमाग में एक भ्रांति भगवान के प्रति प्रकट कर देते हैं। कितने लोग थे महाराज जी, हमने कहा क्या, मुझे लगता है कि चोरी करना पाप नहीं। हमने कहा क्यों? कहा जब भगवान चोरी किए हैं तो हमें काहे पाप होगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की, चोरी करना पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को हमारे सब कलंकित कर दे रहे हैं। भगवान ने कोई माखन की चोरी नहीं किया सज्जनों। हाँ, और जो लोग ये कहें भगवान ने माखन की चोरी किया है, वो मुझे लगता है वो भागवत कथा कुछ समझ ही नहीं पाए। ना भागवत कथा का उनका कोई अपना उस पर अनुभव है, ना उन्होंने भागवत कथा को अच्छे ढंग से समझा है, ना पढ़ा है, केवल बस सुनी सुनाई बातें हमारे आपके बीच में बता के आगे बढ़ गए। हाँ, ये भ्रांतियां हमको आपको लोगों के जीवन से निकालनी होगी। भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी नहीं किए हैं, तो क्या चुराए हैं? माखन को संस्कृत में जानते हो क्या कहा जाता है? नवनीत। कि ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरा अगोपांगना नाम चदकूल चौरा अनेक जनमार जित पाप चौरा अचौराग्रगण्यम सिरसा नमामि।
सुखदेव स्वामी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दुनिया वालों से पूछा जाए दुनिया के सबसे बड़े चोर का नाम बताओ तो उसका एक ही निर्वाद उत्तर होगा, भगवान श्री कृष्ण। इससे बड़ा चोर इस संसार सागर में आज तक जन्म ही नहीं लिया। अच्छा बताओ, माखन चुराए होते दुनिया के बड़े चोर कहे जाते कि छोटे? बोले भक्त वत्सल भगवान की। आप बैठ करके विचार कर लीजिए, माखन चुराने वाला सबसे बड़ा चोर हो सकता है कि छोटा? सज्जनों, मक्खन को संस्कृत में नवनीत कहा जाता है और नवनीत का सीधा अर्थ है क्या? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि नवनीत माने क्या होता है। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। संतों के हृदय को नवनीत कहा जाता है, ध्यान देकर के समझिएगा, एकाग्रचित होना पड़ेगा। संतों के हृदय को नवनीत, और ये संत हैं कौन? जितने ब्रजमंडल में बड़े बड़े गोपी ग्वाल ये सब आए हैं ना, ये सब पूर्व जन्म के बहुत बड़े बड़े साधु संत महात्मा ही ये गोपी ग्वाल बन के आए हैं। भगवान ने कोई माखन की चोरी नहीं किया, बल्कि ब्रजमंडल में रहने वाले गोपी ग्वालों की भगवान ने हृदय को चुराया, इसी को कहा जाता है भगवान ने माखन की चोरी किया। इसके साथ साथ अनेक जन्मार जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप संताप को भी भगवान चुरा रहे हैं। इसलिए भगवान को दुनिया का सबसे बड़ा चोर कहा जाता है। संसार के चोर धन दौलत चुराते हैं, भगवान जन्म जन्मांतर के पाप को चुराते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौरा गगण्यम सिरसा नमामि। भगवान ने कोई माखन की चोरी नहीं किया है, भगवान ने ये संतों के हृदय को चुराया, उनके साथ साथ ब्रजवासियों के पाप ताप संताप का भगवान ने हरण किया चुराया है। तो लोग माखन की चोरी की कथा क्यों बताते? लोग समझ नहीं पाते। भागवत में ये कहा गया है कि हम आप भी भगवान से प्रार्थना करें, कथा पांडाल में आए हैं तो यहाँ बैठ करके भगवान से निवेदन करें, तीर्थ यात्रा में जाएं तीर्थ में जाके निवेदन करें, मंदिर में जाएं तो मंदिर में जाकर के निवेदन करें, घर के मंदिर में बैठे तो वहां जाकर के हम आप प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करके कहेंगे क्या, प्रभो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कोई भी सामग्री तो करना नीचे से कीजिए, अरे और लोग आ जाएंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधेश। संत जन कहते हैं अनेक जन्मार जित पाप चौरम चौरा गगण्यम सिरसा नमामि। भगवान चोरों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है। तो माखन चोरी की कथा इसलिए गाई जाती, लोग समझ नहीं पाते। भागवतकार तो यहां तक कहते हैं कि हमको आपको सबको अपने हृदय को माखन की तरह बनाना है। जब तक हमारा आपका सबका हृदय मक्खन की भांति नहीं बनेगा, तब तक भगवान हमारे आपके हृदय को चुराने के लिए नहीं आएंगे। कथा सुन करके, मंदिर में जाकर के, तीर्थ स्थानों पर जाके भगवान का भजन करके, राम नाम का जप करके हमको आपको नारायण से प्रार्थना करनी है, प्रभु हमारे आप हृदय को चुराने के लिए आओ। तो शर्त यह है, अपने हृदय को पहले मक्खन बनाओ।
हमारा आपका हृदय मक्खन बनेगा कैसे? आपने मक्खन देखा होगा, मक्खन देखने में स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जब तक हमारे आपके हृदय में निर्मलता नहीं आएगी, हमारे आपके जीवन में स्वच्छता नहीं आएगी, हमारे आपके जीवन में जो ये काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड ये सब अंधकार के रूप में व्याप्त है, जब तक इसका विनाश नहीं होगा तब तक हमारा आपका हृदय मक्खन बनेगा नहीं। और जब तक हमारे आप का हृदय मक्खन बनेगा नहीं तब तक भगवान हमारे आपके हृदय को चुराने के लिए आएंगे नहीं। और संत जन कहते हैं इतने नहीं सज्जनों, मक्खन देखने में स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। अपने मन को, हृदय को, जीवन को मक्खन की भांत निर्मल बनाओ। और केवल निर्मल बनाने से ही काम नहीं चलेगा, एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन एक कदम मक्खन की तरह और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित जैसे भगवान ब्रजमंडल में जन्म लेकर के ब्रजवासियों के हृदय के साथ साथ उनके जन्म जन्मांतर का पाप चुरा रहे हैं, उसी तरह से हमारे ब्रज मंडल रूपी शरीर में भगवान प्रकट हो जाएंगे, हमारे भी जन्म जन्मांतर के पाप को चुरावेंगे, फिर हमारे जीवन में भगवान की कृपा होगी। इसके लिए हमको आपको मक्खन की तरह अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने हृदय को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। और साथ साथ मक्खन आप देखेंगे तो मक्खन बड़ा सुकोमल होता है, बड़ा सरल होता है। जब तक हमारे जीवन में सरलता नहीं होगी, जब तक हमारी वाणी में मधुरता नहीं होगी, हमारी वाणी में, हमारे जीवन में, हमारे कर्म में अगर सरलता नहीं है, कोमलता नहीं है, तो भगवान हमारे आपके ऊपर कृपा करने वाले भी नहीं है। कर्कश वाणी जिनकी होगी, जिनकी वाणी में, जिनके जीवन में कर्कशता भरी है, मधुरता है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, रस है ही नहीं, आप बताओ परमात्मा कैसे आएगा? क्योंकि भगवान को तो प्रेम चाहिए, भगवान को सबसे ज्यादा कुछ प्रिय है तो प्रेम। और प्रेम सरलता में है, सज्जनता में है, निर्मलता में है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, 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 जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। भागवत कथा कहती है हमारे आपके भी हृदय को, हमारे आपके जीवन के पाप ताप संताप को चुराने के लिए भगवान आवेंगे। उसके लिए हमको आपको अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने हृदय को मक्खन की भांति बनाना है। आज तक हमारे सब भ्रांति में जी रहे थे कि भगवान ने माखन चुराने के लिए कार्य किया। अरे आप बताओ, हम आप माखन किसी के यहाँ जाके नहीं चुराते। जिनके यहाँ भगवान का जन्म हुआ, 9 लाख गाय दरवाजे पर इकलौता बेटा मैया यशोदा ने इतना धन धान दान कर दिया, इतना दे दिया ब्राह्मणों को, क्या अपने पुत्र को माखन नहीं खिला पाती हैं? इस पर आप विचार क्यों नहीं करते? सजनों, भागवत कथा को समझने के लिए हमको आपको भागवत की भाषा, भागवत की अर्थ को समझने के लिए समाधि लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि ये जो लीला चल रही है किसी साधारण की नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और भगवान श्री कृष्ण की लीला, भगवान का जन्म, भगवान का कर्म, ये दोनों दिव्य है। कि जन्म कर्म च मे दिव्यम योमि वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, भगवान कहते मेरा जन्म, मेरा कर्म दिव्य है। आप बताओ, जिनका जन्म, जिनका कर्म दिव्य होगा वो माखन चुराएंगे? सजनों, हम आप सब भागवत कथा समझ नहीं पा रहे। भगवान की दिव्य लीलाएं हो रही हैं, भगवान आज ब्रजमंडल में ठुमक ठुमक के चल रहे हैं, पूरे ब्रजवासी भगवान का दर्शन करके आज अपने जीवन को तृप्त कर रहे हैं। आए, हम आप सभी देखते हैं, संतों का प्यारा भाव है।
ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के नगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना, ए हो यशोदा के अंगना, हाँ हाँ यशोदा के अंगना, ए हो यशोदा के अंगना, हाँ हाँ यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना। मस्ती में हाँ भगवान नृत्य कर रहे हैं यशोदा जी के आंगन में, हम आप भी पांडाल में बैठ करके ठुमक ठुमक के नाच कन्हैया के साथ राधे। सभी माताएं तालियों सेवा करते हुए आज कल परसों बस, उसके बाद मौका मिलेगा नहीं ताली बजाने का, घर में पूरा जीवन बीत जाएगा ताली बजाने का मौका नहीं आएगा, रोने के अलावा वहां ताली नहीं बजती। श्री राधे हवा बुझाला जान उठवा बा कुचरल पान, मुहवा बुझाला पान उठवा बा कुचरल पान, मुहवा बुझाला जान उठवा बा कचरल पान, कजरा रे बड़े बड़े नैना यशोदा के अंगना, कजरा रे बड़े बड़े नैना यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना। झिंगुली सोहे तनवा, झिंगुली सोहे तनवा मुस्की मोहे रे मनवा, झिंगुली सोहे रे कनवा मुस्की मोहे रे मनवा, कोतली बोले ले मैना यशोदा के अंगना, कोतली बोले रे मैना यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना। श्री राधे बन में देख पर छैया किल के ऊंचे कर भैया, हम मन में देख पर छैया किल के ऊंचे कर भैया, मैया हाथे भी लटके ललना यशोदा के अंगना, मैया हाथे ले लटके ललना यशोदा के अंगना, नाच ललना यशोदा के अंगना, ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना। राधे संघवा सघन के खेले
अंजुरी में धूरी मेले संगवा सटन के खेले अंगुरी में धूरी मेले संगवा सटन के खेले अंजुरी में धूरी मेले छविल खेला जाता मदनवा यशोदा के अंगना छविल खेला जाता मदनवा यशोदा के अंगना ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना ए हो यशोदा के अंगना हाँ हाँ यशोदा के अंगना ए हो यशोदा के अंगना हाँ हाँ यशोदा के अंगना ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना ठुमकी ठुमकी नाच ललना यशोदा के अंगना ए हो यशोदा के अंगना हाँ हाँ यशोदा के अंगना ए हो यशोदा के अंगना हाँ हाँ यशोदा के अंगना बोली नंद के लाला की जय जय श्री राधे। भगवान की लीला चल रही है। एक दिन मैया यशोदा भगवान के लिए आज मक्खन निकाल रही, दही मथ रही, बढ़िया दिव्य रेशमी बस धारण करके दुपट्टे को कमर में कस के और मैया यशोदा भगवान के लिए दही मथ रही थी। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भगवान श्री कृष्ण कहीं ब्रजमंडल में भ्रमण करते हुए आए, पीछे से मैया के दोनों कंधे में दोनों हाथों को भगवान ने डाल दिया। मां क्या कर रही हो? अरे दही मथ रही हूं। मां ने कन्हैया का हाथ पकड़ के गोद में ले लिया। भगवान ने मां से पूछा, मां एक बात बताओ, क्या मुझसे ज्यादा प्रेम करती हो कि सामने रखे हुए जो दूध में पात्र में दूध गर्म हो रहे हैं दूधों से प्रेम करती है? बताओ, ज्यादा प्रेम पुत्र से है कि ज्यादा प्रेम दूध से? मैया ने कहा, 75 साल की उम्र में बड़ी तपस्या के बाद तुझे प्राप्त की हूं, तुझसे ज्यादा प्रेम दूध से हो ही नहीं सकता। अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया और इतने में मां की दृष्टि पड़ गई दूधों के ऊपर। दूध जो है पात्र से निकल के बाहर बहने लगे। संत जन कहते, जो दूध बाहर बहने लगे, मैया की दृष्टि पड़ी, मां दूध को बचाने के लिए जब दौड़ी तो कन्हैया को गोद से नीचे उतार के रख दिया और दौड़ के गए भगवान का। रे अभी मैया कह रहे थे दूध से नहीं तुझसे प्रेम करती। भगवान के ओंठ फड़फड़ाने लगिया, लाल लाल आके सिलबट्टा जो पत्थर का होता लेकर के भगवान, जितने भी आंगन में दूध दही के मटके रखे थे भगवान ने सारे दूध दही के मटके को तोड़ दिया। मैया यशोदा दूध बचाने के बाद घूम के पीछे, अरे मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी उद्दंडता का कार्य, गोपियां उलहना लेके आती थी मैं बात नहीं मानती थी, बताओ। हाथ में छड़ी लेकर के मैया यशोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन उससे पहले हम आप समझेंगे पात्र में रखे हुए ये दूध ये बह क्यों रहे थे। संतों का बड़ा प्यारा प्यारा भाव है। इन दूधों ने विचार किया कि आज भगवान मां की गोद में है और पूछ रहे हैं कि मुझसे प्रेम करती हो कि दूध से? तभी कहेंगे जितने पात्र में दूध रखे हैं थोड़ा थोड़ा दूध निकालो मैया, गिलास में लेके आओ, मुझे आज दूध पीना है। लेकिन भगवान ने दूध पीने के लिए मांगा नहीं। दूधों ने विचार किया, इतना बढ़िया मौका, इतना बढ़िया अवसर मेरे जीवन से चला गया, तो ऐसे जीवन को जीने से क्या लाभ मिलेगा, इससे बढ़िया है किसी अग्नि में कूद करके आत्महत्या ही कर लो, मर जाओ। तो आज दूध अग्नि में जानबूझ करके कूद करके आत्महत्या करना चाहते यार। एक संत का भाव, नहीं नहीं सुनो, दूधों ने विचार किया क्या? भगवान के मुखारविंद से लगते भगवान के उदर में जाते तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। लेकिन इतना बढ़िया अवसर जीवन से जा रहा है तो चलो कन्हैया के मुखारविंद से तो नहीं लग सका, लेकिन ये अग्नि देवता भी भगवान के मुख हैं, चलो अग्नि के माध्यम से ही भगवान के उदर तक पहुंच जाऊं, इसलिए पात्र में रखे हुए सारे दूध अपने आप स्वतः ही बहने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अग्नि देवता भी भगवान के मुखारविंद, तभी तो हम सब अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हैं, देवताओं तक आहुति पहुंचती है यार। एक महात्मा का और प्यारा भाव, क्या
मुझे लगता है दूधों ने विचार किया कन्हैया सामने और मैं पात्र के अंदर ऐसे बैठा के बैठा रह जाऊं, अरे मेरे जीवन का धिक्कार है, कम से कम भगवान माँ के गोद में है तो मुझे इस पात्र से बाहर निकल करके भगवान का दर्शन तो कर लेना चाहिए। पात्र में रखे हुए दूध भगवान के दर्शन के लिए जब दौड़ पड़े तो बाहर आकर के बहने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आवाज मैया जोदा कन्हैया को पकड़ने के लिए जब चले तो माँ के हाथ में सज्जनों छड़ी है, भगवान आगे आगे भगे हुए चले जा रहे, पकड़ में नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि छड़ी अभिमान का प्रतीक है। जीवन में हाथ में सामने अभिमान होगा तो भगवान पकड़ में आएंगे नहीं। हाँ, ये दोनों एक स्थान पर कभी टिकी नहीं सकते। या तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में भगवान का वास हो सकता है, या तो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में अभिमान का निवास हो सकता है। भगवान और अभिमान ये दोनों एक साथ एक स्थान पर कदापि नहीं ठहर सकते सज्जनों। मैया यशोदा के हाथ में छड़ी आई नहीं कि भगवान भगे, मैया की पकड़ से बाहर। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जीवन से अभिमान का त्याग होना चाहिए, परिवार से अभिमान का त्याग होना चाहिए। कितने लोगों को अपने धन पर अभिमान है, बल पर अभिमान है, पद प्रतिष्ठा पर अभिमान है, अपने सुंदरता पर अभिमान है। ये सारे अभिमानों का त्याग करो, क्योंकि एक दिन सारा धन दौलत मकान दुकान सब ही रह जाएगा, शरीर जाकर के राख हो जाएगी। और राख सबकी एक के जैसे होती ही नहीं, कि ज्यादा सुंदर है तो ज्यादा सुंदर राख बनेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान, वहां तो जाकर के सबकी सुंदरता भी सम हो जाती है, इसलिए उसको शमशान कहा जाता है ना। फिर भी अभिमान, भगवान की कृपा को पाना है तो अभिमान को जीवन से छोड़ना पड़ेगा। मैया के हाथ में जैसे अभिमान रूपी छड़ी आई नहीं, भगवान भागने लगे, ये कथा बता रही है। घर में, परिवार में, जीवन में अभिमान का आगमन हुआ नहीं कि भगवान घर से बाहर जाने के लिए तैयार है। इसलिए आप सबसे निवेदन करो कि भगवान को ही अपने जीवन में धारण करो, अभिमान का त्याग करो। गोपियां मिल गई, कहां जा रहे हो? मैया सौदा पकड़, अरे पकड़ में आ जाओ, मैया के पास जब से जन्म लियो तब से हो, कितनी बार मैया पकड़ के गोद में लेके खिलाई है, आज भग रहे हो? इसके हाथ, मैया के हाथ में छड़ी है। गोपियों ने कहा, अम्मा जब तक छड़ी तुम फेंकोगी नहीं तब तक भगवान पकड़ में आएंगे नहीं। गोपियों के कहने पर मैया ने हाथ से छड़ी फेंक दिया। और माँ यशोदा ने एक गलती और किया, क्या? हाथ में है छड़ी रूपी अभिमान और दृष्टि के सामने है अधर्म। जीव जब धर्म के रास्ते का त्याग करके अधर्म पर आगे बढ़ता है तब भी भगवान दूर चले जाते हैं, क्योंकि जब सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है भगवान के हृदय से धर्म की उत्पत्ति, भगवान की पीठ से अधर्म। भगवान जब भगे, माँ पकड़ने के लिए दौड़े तो माँ की दृष्टि भगवान की पीठ पर, पीठ से अधर्म, इसलिए भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। और जब सज्जनों माँ यशोदा को देखने के लिए भगवान घूमे कि माँ के हाथ में छड़ी है कि नहीं, तो भगवान की हृदय पर माँ की दृष्टि पड़ गई, और जब माँ की दृष्टि पड़ गई तो भगवान स्वतः ही पकड़ में आ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान। अब मैया यशोदा भगवान को पकड़ के लाई, ला करके रस्सी में बांधने लगी। जितनी रस्सियों में भगवान को बांधती सारी रस्सी सब छोटी पड़ जा रही, एक रस्सी जोड़ती दो अंगुल की रस्सी छोटी, फिर जोड़ती फिर दो अंगुल की छोटी। दो ही अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ रही, तीन अंगुल क्यों नहीं पड़ी, पांच अंगुल क्यों नहीं पड़ी? क्यों? क्योंकि माँ यशोदा के जीवन में दो चीज है, अहमता और ममता। अहंकार है, ममत्व तो है, मेरा कन्हैया है, मेरा पन होने का अहंकार, मैं इसको बांधूंगी, लेकिन मेरा बेटा है, आज छोटी सी गलती की कल बड़ी गलती करेगा। अहमता और ममता के कारण दो अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जा रही है। और सच बताऊं, जो मेरा अपना अनुभव है कि संसार सागर में बिना दो की किसी के जीवन में सफलता नहीं मिलती। वो दो चीज है क्या? एक तो हमारा आपका पुरुषार्थ, हमारी आपकी मेहनत, और दूसरे भगवान की कृपा। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मेहनत करके मैं सफल हो जाऊंगा तो नोट करके जाना, मेहनत करने वाला अकेला व्यक्ति कोई सफल नहीं होता जब तक उसके साथ भगवान की कृपा नहीं होती।
अगर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल होता होता ना, जितने मजदूर हैं आज सब राजा महाराजा करोड़पति खरबपति हो गए होते। रिक्शे चलाने वाले से ज्यादा मेहनत दुनिया में कौन करता है? आज हर रिक्शेवान धीरू भाई अंबानी और टाटा बिरला बन के बैठता कि नहीं, आप बताओ। सजनों, अपनी मेहनत के बल पर अकेले सफल नहीं हो सकते। कब तक? जब तक आपकी मेहनत के साथ साथ आपके ऊपर भगवान की कृपा भी नहीं होगी। कृपा मिलेगी तभी जीवन में सफलता मिलेगी। हाँ, मेहनत हो और साथ साथ भगवान की कृपा भी हो। कितने लोग हैं करेंगे कुछ नहीं, भगवान की कृपा के भरोसे बैठे रहते। एक चौपाई याद कर लिए क्या? वही है सही जो राम रचिरा का को करे तरग बढ़ावई साका। हाथ पैर बंद करके करेंगे धरेंगे कुछ नहीं, बस एक चौपाई। भैया कुछ करो, क्या करें? वही है सही जो राम रचिरा का। क्या करें? वही है सही जो राम रचिरा का। सच बताऊं, इस चौपाई को पकड़ करके जो लोग बैठे हैं वही हैं सोई जो राम रचिरा का। ऐसे लोगों को हमारे सनातन धर्म के बड़े बड़े महात्माओं ने कहा, ये आलसी हैं, आलसी। तो आप कहोगे जब आलसी हैं चौपाई क्यों कहेंगे? अरे पहले समझो तो चौपाई कहाँ की है, किस बात पर कही जा रही है। जिस समय भोले बाबा पार्वती जी के साथ पधारे अगस्त महाराज जी के यहाँ, भगवान राम की मंगलमय कथा सुन के जा रहे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, और भगवान राम की नरलीला चल रही थी, सीता जी का हरण हो गया था, राम जी बन बन में सीता जी को ढूंढ रहे थे, रो रहे थे आकाश मार्ग से। उसी समय सजनों भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया और पार्वती जी से कहा, देवी जी तुम भी प्रणाम कर लो। ये हैं कौन? अरे भगवान है। पार्वती जी ने कहा, ये भगवान है तो अपनी पत्नी को काहे ढूंढ रहे हैं? बोले भक्तवत्सल, भगवान की, भगवान कहीं पत्नी ढूंढते हैं? इनको ये पता नहीं कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई, ये भगवान नहीं है। इनके अंदर तो काम दिखाई पड़ रहा है, इनके अंदर पत्नी के लिए काम की भावना झलक रही है। बताओ कैसे भगवान मान लिए जाए? भगवान नहीं। भोले बाबा ने कहा, इन्हीं राम जी की कथा सुन के आ रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं, प्रणाम करो। कहा, मुझे विश्वास नहीं है भगवान। अरे मेरे इष्ट देवता है। कहा, मुझे विश्वास नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार भोले बाबा ने खूब प्रयास किया कि पार्वती जी की ये बात समझ में आ जाए कि ये भगवान राम की नरलीला चल रही है, राम जी हमारे इष्ट देवता हैं। लेकिन भोले बाबा देवों के देव महादेव के बताने पर भी पार्वती जी नहीं समझ पा रही हैं। मैं आप लोगों को सावधान कर देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति हमारे आपके बीच में आ जाए और हमसे आपसे कहे क्या कि मैं भगवान को भगवान नहीं मानता, मैं कन्हैया को भगवान नहीं मानता, राम जी को भगवान नहीं मानता, हम आप मनाने का प्रयास करें, व्यक्ति ना माने तो ज्यादा परेशान मत होना। देवों के देव महादेव मना रहे हैं, पार्वती जी नहीं तैयार हो रहे हैं कि ये भगवान है। कब? जब भगवान का प्राकट्य हुआ था तब। अब तो भगवान को जन्म न जाने कितने हजार वर्ष हो गया। अब अगर कोई न माने तो परेशान मत होना। किसी के ये न मानने पर कि भगवान नहीं है, भगवान का अस्तित्व कम होने वाला नहीं है। कोई अंधा ये कह दे कि मैं सूर्य भगवान को नहीं मानता, तो क्या उस अंधे के कहने पर सूर्य नारायण का अस्तित्व समाप्त होगा इस धरती से? ज्यादा परेशान मत होना। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, मैं भगवान को भगवान नहीं मानता, हम आप मनाने के लिए झगड़ा लड़ाई युद्ध तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ज्यादा परेशान मत होना, जो नहीं मानते हैं वो हमसे आपसे ज्यादा मानेंगे। बोले भक्तवत्सल, भगवान की। यही पार्वती जी सती जी के रूप में थी तब नहीं मान रहे थे, और जब पार्वती जी के रूप में जन्म हो गया तो इतना माने कि राम कथा पार्वती जी के कारण ही प्रकट हो गई। बोली भक्तवत्सल, भगवान की। जितने नास्तिक है ना, ये धीरे धीरे सबसे बड़े आस्तिक यही बनते हैं। यहाँ जो भगवान को नहीं मानते वो कुछ ज्यादा ही मानने लगते हैं। बस थोड़ा इंतजार करो बस। हाँ, परेशान मत होना। सजनों, सच बताओ, आज भगवान की ऐसी दिव्य लीला है, बिना दो के संसार सागर में किसी के जीवन में सफलता नहीं मिलती। थक गए भोले बाबा,
सती जी को समझाते हुए पार्वती जी को, तो चौपाई उन्होंने कहा जाओ परीक्षा ले लो। सती जी परीक्षा लेने के लिए चली तो वही है सोई जो राम रचि राखा। कोई काम एक बार करो सफलता न मिले, दो बार करो सफलता न मिले, तीन बार करो सफलता न मिले, चार बार करो सफलता ना मिले, तब चौपाई पकड़ के बैठो वही है सोई जो राम रचि राखा। प्रयास एक बार नहीं और चौपाई बार बार वही है सोई जो राम रचि राखा, कहां से कल्याण होगा। ऐसे लोगों को आलसी बताया जाता है, कहा जाता है। भगवान ने देखा कि मैया बहुत प्रयास कर रही, परिश्रम कर रही। दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण कृपया सीहित सबंधने। मैया के परिश्रम को देखने के बाद भगवान ने थोड़ी सी कृपा कर दी। अच्छा कृपा कर दी तो मैया ने छोटी सी रस्सी में कन्हैया को बांध लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संध्यन कहते भगवान की ऐसी माया, आज भगवान छोटी सी रस्सी में बन गए। माँ ने बांध करके ले जा करके भगवान को उखल में बांध दिया। भगवान आज उखल में बंधे, क्यों? खलों के उद्धार के लिए भगवान उखल में बंध गए। खल जानते हैं, खल में दो अक्षर है, एक खा एक ला। खा माने खाए और ला माने लड़े, इनका केवल दो ही काम है वही एक खल। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अब महाखल जिसका खाए उसी से लड़े वो महाखल। कितने लोग हैं हमारा आपका खाएंगे हम ही आपसे लड़ेंगे, यहाँ जान लीजिए महाखल है यहाँ। अब खल का एक अर्थ और जान लीजिए, कभी कभी हम आप कहते हैं ना, अरे आपकी ये बात मुझे खल गई, आपकी ये बात मुझे कष्ट दे गई, दुख दे गई। जिसका आचार, जिसका विचार, जिसका व्यवहार, जिसकी वाणी किसी को कष्ट दे जाए, दुख दे जाए, वो भी महाखल होता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। खलों के उद्धार के लिए भगवान आज उखल में बने हैं। यमलार्जुन के दो वृक्ष नंद बाबा के आंगन में हैं, दोनों वृक्षों के मद से भगवान प्रवेश किए, उखल फंस गया, दोनों वृक्ष गिर पड़े हैं, दोनों वृक्षों से दो नवयुवक आकाश मार्ग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति किया कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म समनस्तव पादयोर। मेरी वाणी अगर कुछ बोले तो आपका गुणानुवाद, मेरे हाथ अगर कुछ करें तो आपका कीर्तन, आपकी सेवा, और मेरे पांव अगर कहीं जाएं तो आपकी तीर्थ यात्रा में जाएं। श्रवणो कथायाम लंबी स्तुति प्रारंभ किया भगवान का, जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नलकोबर मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार कर दिया, नारद जी के श्राप से ये सब वृक्ष बन गए थे। मंदाकिनी के तट पर ये सब अटेलिया मना रहे थे कुछ नारियों के साथ, नारद जी पधारे, देख करके खिल्ली उड़ा लिया, श्राप हो गया, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम जाओ जड़ हो जाओ, वृक्ष बन जाओ। उद्धार कैसे होगा? भगवान आएंगे उद्धार करेंगे। सजनों सच बताऊं, पिता के पास, कुबेर के पुत्र है ना, पिता के पास संपत्ति जब अधिक होती है तो बेटे नालायक हो जाते। इसलिए संपत्ति ही नहीं, धन ही नहीं, पिता के पास धन और धर्म दोनों बढ़ना चाहिए। जिस पिता के पास केवल धन बढ़ता है उसके बेटे नालायक हो जाते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन हम सब धन के पीछे परेशान है। शास्त्र और संत कहते हैं चाह धन से ज्यादा भगवान की होनी चाहिए। चाह पैसों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, अरे चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, अरे चाह हमको प्रभु की हर समय चाहिए। और प्रभु अगर चाहे तो क्या चाहिए, प्रभु अगर चाहे तो क्या चाहिए। चाह धन की नहीं भगवान की होनी चाहिए। अब भगवान जब चाहने लगेंगे संसार में कुछ चाहने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। समस्त ब्रजवासी आए, हम ब्रजमंडल में रहेंगे नहीं, जाएंगे कहां? ब्रज छोड़ करके हम जाएंगे या वृंदावन में? क्योंकि जब से कन्हैया ब्रजमंडल में आया है ना,
तब से बड़े बड़े संकट इसके ऊपर आ गए। पूतना आ गई, तृणावर्त के दैत्य आ गए, जक्तासुर आ गए, और ये बताओ दो वृक्ष ही कन्हैया के ऊपर गिर पड़े। भगवान 5 वर्ष की अवस्था में घर परिवार ब्रजमंडल छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं, और ये वृंदावन भक्ति की धरा है। ये भागवत कथा कहती बाल काल की अवस्था से, बचपन से ही भगवान की भक्ति में हमको आपको सबको लग जाना चाहिए। बचपन से ही लग जाओ। अब भगवान ब्रजवासियों को लेकर के गौ सेवा करने के लिए गया। अजय से ब्रजमंडल में गौ सेवा करने के लिए भगवान पधारे, सबसे पहले एक दैत्य आ गया। वो दैत्य जानते हो कौन है? उसका नाम भागवत में बकासुर रखा गया। बकासुर, बकासुर सजनों बकुले के रूप में आया। भगवान ने बकासुर का उद्धार कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। जितने लोग यहाँ बैठे हो बताओ, भगवान ने बकासुर के रूप में बगुले का उद्धार किया। अच्छा आप बताइए, आप जरा विचार कीजिए अपने स्थान पर बैठे बैठे कि संसार सागर में भगवान प्रकट होंगे या उतार लेंगे तो बगुला मारेंगे? आज तक हम आप बगुला मारने के लिए भी सोचे नहीं। भगवान आएंगे तो बगुला मारेंगे, इसका अर्थ आज तक हम समझ नहीं पाए। बकासुर का अर्थ क्या है? संत जन कहते ये बकासुर कोई और नहीं है, ये बकासुर सजनों ये पाखंड है। आपने बगुला देखा होगा, देखने में एकदम सफेद होता है साफ, और नदी में जाके किनारे जब खड़ा होता है ना तो ऐसा ध्यान लगाता जैसे लगता है पूर्व जन्म का कोई महात्मा है, तपस्या अधूरी रह गई बेचारा इस जन्म में पूरी कर रहा है, और जैसे मछली दिखाई पड़ी टप दे पकड़ के गप दे अंदर कर लेता है। अरे अभी तक तो साधु बना था, संत बना था, कहां से ये हिंसा की प्रवृत्ति जीवन में आ गई। संत जन कहते पाखंडी बगुले की तरह होते, ऊपर से देखने बढ़िया रहेंगे अब अंदर उनके बगुले की तरह कलमंस कसाय भरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कोई बगुला का वध नहीं किया है, और जो लोग ये कथा सुना के आगे बढ़ जाते भगवान ने बगुला का वध कर दिया बकासुर का, वो भागवत कथा जानते ही नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ना भागवत कथा कहते तो हैं, लेकिन कभी एक एक प्रसंग पर बैठ करके उन्होंने कभी चिंतन नहीं किया कि इस भागवत कथा का अर्थ क्या है। भगवान ने पाखंड का आज उद्धार किया है। दूसरे दिन भगवान ने ब्रजवासियों से कहा अपने अपने घर से पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी हलवा मालपुआ बनाओ, बढ़िया पैकेट बनाओ, लेके चलो, हम सब गौ सेवा करने चलेंगे, आज भोजन वहीं वृंदावन में करेंगे। ठीक है, भगवान का एक परम मित्र है सखा मधुमंगल, बेचारा बहुत ही गरीब है, ब्राह्मण है का बालक है, भोजन आदि कर लेता जाके यशोदा जी के यहाँ, लेकिन भगवान का आदेश था अपने अपने घर से पूड़ी पकौड़ी बनाओ। सब लोगों ने पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी हलवा मालपुआ रसमलाई रसगुल्ला काला जाम सब बनाए सजाए बढ़िया लेके चले हैं। मधुमंगल अपने माँ के पास गया, माँ मुझे भी कुछ भोजन बना के दो। माँ ने कहा बहुत गरीबी कुछ है ही नहीं। अरे कुछ तो दो, कन्हैया का आदेश है। तो माँ ने क्या किया, 3 दिन की 3 बासी रोटी कपड़े में लपेट करके माँ ने दे दिया मधुमंगल को। सब ब्रजवासी चले हैं, और मामा ने एक दैत्य और भेज दिया अघासुर अजगर के रूप में। मुख के नीचे का भाग पृथ्वी पर, ऊपर का भाग आकाश में लगा दिया। सबसे पहले गाय ग्वाल वाल बछड़े सब चले गए अंदर। ये अघासुर नाम का दैत्य जो अजगर के रूप में है ना, ये सोच रहा है कन्हैया बाहर खड़ा है भी अंदर आ जाए, इकट्ठे मुख बंद कर लो, सबको जय जय सीताराम कर दो। भगवान ने कहा हमारे ग्वाल बाल गाय बछड़े चले गए, मैं बाहर रह के क्या करूं। भगवान भी अंदर प्रवेश हो गए, और जैसे अघासुर नाम का वो दैत्य अजगर अपने मुख को बंद करने का प्रयास किया, भगवान के पास वो सामर्थ्य अड़ो रणियान महतो महियान। भगवान छोटे से छोटा लघो से लघो, और भगवान बड़े से बड़ा भी बन जाते हैं सज्जनों। इतना विराट रूप भगवान बनाए। कौन सा विराट? जो विराट रूप भगवान जाके राजा बलि के दरवाजे पर बनाए। अघासुर का पेट फट गया, सारे ग्वाल वाल वहां से निकले। भगवान ने कहा कहीं जाओ मत, पहले ब्रजमंडल में गोला बना के बैठ जाओ। चारों तरफ ब्रजवासी बैठ गए, भगवान बीच में, कहा अपना अपना भोजन निकालो और सबके यहाँ का भोजन करूंगा, अपने यहाँ सबको खिलाऊंगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कन्हैया का अवतार हुआ है, लीला चल रही है, चलो हम इसका दर्शन किया जाए। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी आए दर्शन करने के लिए कन्हैया की लीला, और भगवान क्या कर रहे हैं, सारे ब्रजवासी पूड़ी पकौड़ी तो ले ही गए हैं, तरह तरह की अचार भी ले गए हैं, आम का अचार, अमले का अचार, ये सारे अचार
सब लेकर के गए। संत जन कहते हैं आज परमपिता परमात्मा नारायण की ऐसी दिव्य लीला, बाएं हाथ में बामे पाणो स्मरण न कवल तत्फल न्यांगलुसो, बाएं हाथ के अंगुलियों के मध्य में आम का, गठहल का, नींबू का, आंवले का, तरह तरह का अचार भगवान ने फंसा लिया। एक ग्वाल वाल के पास जाते, थोड़ा सा भोजन करते, अचार खाते, आगे बढ़ जाते, दूसरे ग्वाल के पास वही कार्य करते। इतने में भगवान को मधुमंगल की याद आने, मधुमंगल कहाँ है कहाँ है। ग्वाल वालों ने कहा यही तो था, अरे कहाँ गया बताओ तो। दौड़ पड़े भगवान मधुमंगल के पास। मधुमंगल ने कन्हैया को अपनी तरफ आते हुए जब देखा, सोचा ये आ रहा है, ये मेरी बासी रोटी जरूर खाएगा, और मैं इतना गरीब हूँ, पूड़ी पकौड़ी बना नहीं पाया, बनवा नहीं पाया घर से, अब बासी रोटी खाएगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। इसलिए मधुमंगल ने कन्हैया को आते हुए जब देखा, तीनों रोटी एक साथ में सज्जनों लपेट करके और मुख में डाल लिया। जिसे हम सब बड़ा कवल जब मुख के अंदर डाल लेते हैं तो न जल्दी भोजन अंदर ही जाता है न बहरे जाता है। अब इतना बड़ा मुख हो गया, भगवान पहुंचे भोजन दे, इशारे में कहा सब चला गया अंदर। भगवान अरे इसके यहाँ का प्रसाद तुम्हें जरूर पाना है। मधुमंगल की पीठ के पीछे जाके कन्हैया खड़े हो गए, एक चाटा इसे लगाए सर में कि मुख की भरी हुई रोटी दूर जाकर के गिरी। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित, जैसे किसी दरिद्र का बेटा महीनों से रोटी देखा ना हो, खाने की बात छोड़ दीजिए, और किसी कुत्ते के मुख में रोटी देख करके वो गरीब का दीनहीन दरिद्र का बेटा कुत्ते के मुख से रोटी छीन करके खाने का प्रयास करता है, आज वही दशा वो नारायण की है जो सारे संसार को भोजन कराते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। आज वही परमात्मा मधुमंगल के मुख की गिरी हुई रोटी पर झपट्टा मार के इसे दौड़े और उठा करके रोटी को खाने लगे। ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से झांकी का दर्शन कर रहे थे। ये सब कुछ तो हो सकते लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान किसी की झूठी रोटी खाएंगे, तीन दिन की बासी रोटी खाएंगे, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा लिया, चुरा करके लेके चले गए ब्रह्मलोक। 6 महीने तक चुराए रखे, 6 महीना का समय जब बीता, ब्रह्मा जी ने सोचा चलो देखा जाए ब्रजमंडल की क्या दशा है। और ब्रह्मा जी जब आए ब्रजमंडल की दशा देखने ना, तो मीठी बात बताऊं, भगवान एक रूप से ब्रह्मा बन के चले गए। उससे पहले भगवान ने जितने ग्वाल बाल बछड़ों को ब्रह्मा चुराए सब भगवान बन गए थे। यहां भी वही ग्वाल बाल, वहां भी वही ग्वाल बाल, मैं क्या देख रहा हूं। भगवान ने कहा द्वारपालों से, ब्रह्मा बन के जब गए, सुनो इस समय बहुत बहुरूपिया नकली भेषधारी लोग घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बन के आवे धक्के मार के भगाना। असली वाले ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपालों ने लगा दिया धक्का, ब्रह्मा जी गिरे धड़ाम से। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना किया, माधो करना क्षमा मैंने जाना नहीं, माधो करना क्षमा मैंने जाना नहीं, माधो करना क्षमा मैंने जाना नहीं, माधो करना क्षमा जाना नहीं पहचाना नहीं, मैंने जाना नहीं पहचाना नहीं, माधो करना क्षमा मैंने जाना नहीं, माधो करना क्षमा मैंने जाना नहीं, माधो करना क्षमा। तालियों की सेवा करते हुए राधे सुनते हुए जय हो। सभी भक्तगण एक साथ राधे। प्रबल गृहस्थी
कर प्रबल गृहस्थी के चक्कर में पड़कर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं प्रभु, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा। एक साथ भैया हाँ राधे राधे श्रवणन कथा सुनी नहीं तेरी, श्रवणन कथा सुनी नहीं तेरी, श्रवणन कथा सुनी नहीं तेरी, रसना से हरि गुण, रसना से हरि गुण बखाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा। हमको तारो पतित पावन हरि, हमको तारो पतित पावन, हमको तारो पतित पावन हरि, अपना स्वभाव, अपना स्वभाव भुलाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा, जाना नहीं पहचाना नहीं मैंने, जाना नहीं पहचाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा, मैंने जाना नहीं माधव करना क्षमा, माधव करना क्षमा, माधव करना क्षमा, माधव करना क्षमा। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में स्तुति की, पापो हम पाप कर्मा पापात्मा पाप संभवा, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। भगवान ने कहा ब्रह्मदेव आपको क्षमा तो मैं नहीं, मेरे ग्वाल बाल करें, चलो ब्रजमंडल में आए हैं, ब्रजवासियों के सामने ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की, भगवान ने इशारा किया, तब ब्रजवासियों ने ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मा जी के अभिमान को भगवान ने तोड़ दिया, ब्रह्मा जी को था सृष्टि की रचना मैं ही करता हूं, भगवान ने बता दिया कि तुम्हें सृष्टि की रचना करने के लिए पंच महाभूत की आवश्यकता है, पंच तत्व की जरूरत है, लेकिन मुझे सृष्टि करने के लिए सब कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा के इस अहंकार को भगवान ने आज खंडित कर दिया। भगवान की दिव्य लीला चल रही थी, उसके बाद एक दिन सज्जनों मामा के द्वारा भेजा गया एक दैत्य और आया जिसका नाम है धेनुकासुर, गधे के रूप में। भगवान ने कहा बलराम भैया, मामा के द्वारा भेजा गया धेनुकासुर, बलराम भैया का और धेनुकासुर का युद्ध हुआ और संत जन कहते हैं बलराम भैया ने धेनुकासुर का उद्धार किया। धेनुकासुर गधे के रूप में था, गधे के रूप में था, तो भगवान ने कहा ब्रजवासियों से, ब्रजवासियों हमारे भैया का क्या नाम? कहा नाम बलराम। नाम बलराम मारे क्या है? कहा मारे हैं गधा। नाम बलराम मारे हैं गधा।
बलराम जी ने कहा तुम्हारे कहने पर मैंने धेनुकासुर का उद्धार किया, तुम तो इतने दैत्यों को मार दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब अगर कल भी यही आप यही बात कहोगे ज्यादा ना, तो कल तुम्हारे साथ में गो सेवा में नहीं आऊंगा। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित भगवान यही चाहते हैं कि कल मेरे साथ गो सेवा में बलराम भैया ना हुए। क्यों? क्योंकि ये बलराम कोई और नहीं है, बलराम जी सीधे शेष नाग है और मुझे नाथना है कालिया नाग को। कहीं कालिया नाग के पक्ष से शेष नाग खड़े हो गए तो कालिया नाग को तो बाद में नाथना पड़ेगा, पहले शेष ही नाग का नाथ पड़े। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कन्हैया की टोली अलग, बलराम भैया की टोली अलग, भगवान पहुंचे हैं कालिंदी के तट पर जहां पर वो कालिया नाग विषैला सर्प रहता है। श्रीधामा से भगवान ने गेंद लिया और गेंद खेलना प्रारंभ की, गेंद चली गई यमुना जी में डूब गई। संत जन कहते भगवान की ऐसी कृपा सज्जनों कि आज ब्रजवासियों ने कहा मुझे वही गेंद चाहिए, जाओ लाओ। भगवान ने कहा मैं दिला दूंगा बाबा से, नहीं वही चाहिए। भगवान ने अपना पीताम्बर निकाल के कमर में कस लिया, बंसी बगल में लगाए हैं। संत जन कहते हैं भगवान छलांग लगा करके सज्जनों कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और उसके बाद भगवान ने विषैले यमुना जी के जल में भगवान ने छलांग लगा दिया। सारी गाय रम भाने लगी, रोने लगी, ब्रजवासी रोते चिल्लाते नंद भवन के पास, बाबा क्या हुआ? बाबा कन्हैया उस विषैले जल में छलांग लगा दिया है। ब्रजवासी रोते हुए दौड़ पड़े, मैया सौदा रमणी नंद बाबा, जब मेरा वो बेटा ही नहीं रहेगा तो मैं रह करके क्या करूं, इससे बढ़िया इसी विषैले जल में मुझे भी डूब करके मर जाने दो। नंद बाबा यशोदा रोहिणी वही कन्हैया के साथ विषैले जल में जा रहे थे छलांग लगाने के लिए, उससे पहले बलराम भैया आ गए। नंद बाबा रोहिणी यशोदा का हाथ पकड़ के कहा बाबा चिंता मत करो, एक नहीं 1000 कालिया नाग आ जाएगा ना, तभी कन्हैया का बाल बांका नहीं होगा। जय संत जन कहते भगवान की ऐसी दिव्य माया, ऐसी दिव्य लीला सज्जनों कि परम पिता परमात्मा नारायण की कृपा से सबको बलराम भैया समझाए बुझाए। कन्हैया पहुंचे उस यमुना जी के जल में तो कालिया नाग सो रहा था, लेकिन वो कालिया नाग की जो पत्नी थी ना वो जग रही थी। भगवान की सुंदरता देख के कालिया नाग की पत्नी मोहित हो गई, भगवान इतने सुंदर है यहाँ कि बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा तरुण बिंब फला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि त्वमहं न जाने। भगवान की अद्भुत सुंदरता देख करके कालिया नाग की वतनी मोहित हो गई, अरे बालक इतनी सुंदर हो यहाँ क्यों आ गए, तुम्हारे माता पिता कैसे तुम्हें यहाँ भेज दे, जहां जल्दी निकल जाओ, अभी मेरे पति देवता सो रहे हैं, अगर नींद खुल गई तुम्हारा प्राणांत हो जाए। भगवान ने कहा तुम्हारे पति देवता को जगाने के लिए ही आया हूँ। वार्तालाप कालिया नाग की पत्नी में भगवान में चल रहा था, इतने में उस जो सो रहा था कालिया नाग वो जागृत अवस्था में चैतन्य हो गया और उसकी चैतन्यता देखने के बाद भगवान ने देखा उसके 101 फण है, लाल लाल आके करके फण उठा करके आज भगवान के सामने दौड़ पड़ा। अब एक फण उठाता भगवान उसके फण पर अपना चरण रख देते और कालिया नाग अपने फण को नीचे कर लेता, दूसरा फण उठाता फिर भगवान चरण रख देते फिर नीचे कर लेता, फिर तीसरा उठाता फिर भगवान चरण रखते नीचे। सुखदेव स्वामी कहते परीक्षित आज कालिया नाग का भाग्य जग गया है। क्या हुआ? जिस चरण कमल के दर्शन के लिए बड़े बड़े साधु संत महात्मा अम्लात्मा विमलात्मा तपस्या करते हैं, आज वही चरण कमल पर मानो कालिया नाग ने कब्जा जमा लिया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। और कालिया नाग के एक एक फण पर भगवान ने वो तांडव किया कि मुख से आज रक्त की थार बहने लगी। कालिया नाग ने पूंछ उठा के भगवान को लपेट लिया, अब कहां जाए, भगवान विराट रूप बनाने लगे। कालिया नाग के शरीर की नसें जब फटने लगी ना, मुख से जब खून की धार बहने लगी
तो कालिया नाग की पत्नी को डर लगा मेरे पति देवता का प्राण न भगवान ले ले। उसने कहा प्रभु इतनी बड़ी सजा मेरे पति देवता को क्यों मिल रही है। बहुत मीठी बात है कालिया नाग की पत्नी की ध्यान देके सुनेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे पति देवता ने यमुना जी के जल को भी सैला कर दिया है, मेरे पति देवता ने नहीं किया। भगवान ने कहा कौन किया बताओ। कालिया नाग की पत्नी ने कहा प्रभु सच बोलूं कि झूठ बोलूं। भगवान ने कहा सच सच बताओ इस यमुना जी के जल को किसने भी सैला किया है। कालिया नाग की पत्नी ने कहा प्रभु क्षमा कीजिएगा सत्य तो ये है कि यमुना जी के जल को बिसैला हमारे पति देवता ने नहीं अपितु तो आपने किया है। भगवान ने कहा मैंने किया है। कालिया नाग की पत्नी ने कहा और क्या आपने किया है। सजा मेरे पति देवता को क्यों दे रहे हो प्रभु। भगवान ने कहा मैंने कैसे किया। कालिया नाग की पत्नी ने कहा प्रभु आप बताइए संसार को किसने बनाया है। भगवान ने कहा मैंने। कहा संसार में जीव जंत पशु पक्षी मनुष्य जानवर ये किसने बनाया। भगवान ने कहा मैंने। तो कहा सर्पों को किसने बनाया है। भगवान ने कहा मैंने बनाया। आगे बताओ। कहा सर्पों के अंदर विष किसने डाला है। भगवान ने कहा मैंने। कहा यही तो आपकी गलती थी। विष की जगह अगर अमृत डाले होते तो यमुना जी का जल आज अमृत के समान मीठा हो गया होता। अरे आपने ही तो विष दे करके हमें इसको विषैला बनाया है और सजा मेरे पति देवता को दे रहे हो। प्रभु ये कोई अच्छी बात नहीं। कितने लोग सोच रहे होंगे कि महाराज ये अपने आप ऐसे बना के सुना है। सच बताऊं ये भागवत में लिखा गया है। कालिया नाग की पत्नी कहती भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा। यमुना जी का जल बिसैला हुआ इसके कारण भवान माने आप हो आप। सर्वज्ञो जगदीश्वरा प्रभु आप ही इसके कारण हो। अनुग्रह निग्रह मन्यते द्वर्पपुर धर्म। आप दंड मुझे दे रहे हो मेरे पति को दे रहे हो ये तो अनर्थ है प्रभु। भगवान ने कहा अगर मेरे द्वारा ये गलती हुई तो जो बताओ क्या वरदान चाहिए। कालिया नाग की पत्नी इतनी चालाक इतनी बुद्धिमान है। हमसे आपसे बुद्धिमान थी वो नाग की पत्नी। हाँ नोट कर लीजिएगा हमसे आप ज्यादा बुद्धिमान थी। भगवान आ जाए तो पूछ लें क्या चाहिए। दमाद धन दौलत मांगेंगे मकान दुकान मांगेंगे जो क्षण भंगुर नष्ट होने वाली सामग्री उसकी कामना हम करते हैं। कालिया नाग की पत्नी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या मुझे आप अपने चरणों की रज दे दो। बोली भक्तवत्सल भगवान की धन दौलत नहीं मांग रही। कितनी बुद्धिमान है। भगवान खड़े कहां है यमुना जी के जल में। कोई व्यक्ति जल में खड़ा हो और उससे अगर चरणों की रज मांगी जाए तो असंभव है असंभव। चरणों जल में खड़े होकर के व्यक्ति की चरणों का जल तो मिल सकता है लेकिन रज नहीं मिल सकता। रज देने के लिए उसको थल में जाना पड़ेगा। और एक कालिया नाग की पत्नी जानती है मेरे पति देवता जब का प्राण तब बचेगा जब भगवान जल छोड़ के थल में जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने आज कालिया नाग की से कहा उसकी पत्नी से इस यमुना जी के जल का त्याग करके तुम रमणीय पर्वत पर जाओ तुम्हारी समस्त मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। गरुण जी डस लेंगे कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे जब फण पर मेरा शरण चिन्ह देखेंगे तब। संत जन कहते हैं आज भगवान की ऐसी दिव्य कृपा है यमुना जी के जल को परमपिता परमात्मा नारायण ने पवित्र कर दिया शुद्ध कर दिया। यमुना जी के जल का शुद्ध भगवान ने किया जल को। इसका मुख्य जो अर्थ है समझ ली। यमुना माने होता क्या है। यमुना का सीधा अर्थ है भक्ति। हम आप भगवान की भक्ति करने के लिए जाते हैं उस तो हमारा आपका जीवन भी अशुद्ध हो गया विषैला हो गया। किसके कारण। यमुना जी का जल कालिया नाग के कारण विषैला हुआ था। हमारा आपका जीवन हमारी आपकी इंद्रियों के द्वारा विषैला हो गया। कालिया नाग के 101 फण हमारे आपके इंद्रियों की न जाने कितने फण है। भगवान की भक्ति से हमको आपको हमारी आपकी इंद्रियां विमुख कर देती हैं। भागवतकार कहते हैं संसार सागर में सुख शांति समृद्धि अगर प्रदान करना चाहते हो सच बताऊं अपने इंद्रियों को
जैसे कालिया नाग ने अपने एक एक फण को भगवान के चरणों से जोड़ दिया था, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, भगवान के चरणों में लीन कर दिया था, उसी तरह से हमको आपको चाहिए अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को, अपने जीवन की इंद्रियों को, अपने मन को भगवान के चरणों से जोड़ दें, हमारे आपके भी जीवन का कल्याण हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान, हमारे शरीर रूपी ये भक्ति रूपी यमुना में जो ये इंद्रियां बाधा पहुंचा रही ना, वो बाधा से हम सब मुक्त होंगे, फिर भगवान की दिव्य कृपा हमारे आपके ऊपर होगी। आज भगवान ने यमुना जी के जल को शुद्ध किया। पहले सज्जनों यमुना जी के जल को कालिया नाग ने विषैला किया था, आज भी गंगा और यमुना का जल विषयुक्त हो गया है। पहले एक कालिया नाग था, आज इतने हजार कालिया नाग हैं कि क्या बताऊं। लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के सारा जल ले जाके गंगा यमुना में छोड़ते हैं अशुद्ध जला। भागवत कथा कहती है कि यमुना जी के जल को शुद्ध करने के लिए भगवान ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हमारा आपका परम और प्रथम कर्तव्य है कि गंगा जी विष से मुक्त हो। गंगा जी के साथ साथ यमुना जी, सरयू आदि जो पवित्र नदियां हैं वो विष से युक्त हो, विष यानी प्रदूषण से मुक्त हो। इसके लिए अगर हमको आपको सबको अपने प्राणों का बलिदान करने पड़े, बलिदान करने की स्थिति आ जाए या प्राणों की बाजी लगाने की स्थिति आ जाए तो हम आप पीछे ना हटे, क्योंकि आज के 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की बाजी लगा करके यमुना जी के जल को शुद्ध करके हमको आपको सबको सुंदर संकेत और शिक्षा प्रदान की। यही हमारे आपके जीवन का कर्तव्य है, यमुना जी शुद्ध हो, गंगा जी शुद्ध, इसके लिए हम सब प्रयास करें। लेकिन जितने लोग गंगा यमुना में स्नान करने जाते हैं ना, जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए तो अपना पाप हम सब धोते हैं गंगा जी में, तो वस्त्र भी वहीं धो के चले जाते। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब की बार दिव्य कुंभ भव्य कुंभ लगा था ना, दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में कुछ हमारे जो हसनपुर के और मजली के संतोष तिवारी जी, हसनपुर के पांडे जी आदि जो स्नेही हैं हमारे कई वर्षों से जानने वाले, ये सब गए थे दिव्य कुंभ भव्य कुंभ में। भागवत कथा का बढ़िया आयोजन हुआ था और कुंभ मेले में भाई तो रहने का, जहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास हो, संसार के तीर्थों का निवास हो, सब लोगों ने भागवत में मुख्य यजमानता भी स्वीकार की थी, खूब कथा सुने थे, खूब गंगा स्नान किए थे। और मुझे लगता है यदि कुंभ भव्य कुंभ से ही कथा का पहले भी कार्यक्रम हुआ, बीच में एक आध वर्ष नहीं भी होता था, कई बार हम लोग कथा किए हैं कुंभ मेले में। अब की बार भी सजनों कुंभ मेला तो हर वर्ष लगता, माघ मकर गत रवि जब हो तीरथ पति आव सब को। माघ के महीने में मकर राशि पर जब सूर्य नारायण जाते हैं तो संसार सागर के जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जाकर के निवास करने से, स्नान करने से, दान पुण्य करने से भारत के ही नहीं अपित पूरे विश्व के, क्या पूरे ब्रह्मांड के जितने तीर्थ हैं, सारे तीर्थों के दर्शन का पूरा लाभ हमको आपको प्राप्त हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अब की बार तो कितनी भीड़ थी, जो लोग होंगे टीवी चैनल देखे होंगे जानते हैं। और अब की बार तो और बढ़िया व्यवस्था होने वाली, जिन भक्तों को चलना होगा सब लोग संपर्क करेंगे। अब की बार भी प्रयागराज की पावन धरती में आने वाले 2020 जब पूर्ण होगा 19 तो 20 में 23 जनवरी से 30 जनवरी तक भागवत कथा का विशाल आयोजन तीर्थराज प्रयाग की धरती पर किया जा रहा है। जिन भक्तों को उस आयोजन में भाग लेना हो, यजमान बनना हो और उस आयोजन में वहां निवास हो करके भागवत कथा सुननी हो, सारी व्यवस्था है, आकर के संपर्क करेंगे।
पिछली बार भीड़ अधिक होने से कुछ अव्यवस्था हो गई थी और हमारे यहाँ नहीं पूरे महाकुंभ मेले में हो गई थी। जब प्रशासन व्यवस्था नहीं संभाल पा रहा था तो लोगों को व्यवस्था देना तो कठिन कार्य था, लेकिन अब की बार जो पिछली बार की चूक है उसको हम सब और बढ़िया से भरेंगे। और नोट कर लीजिएगा जिन भक्तों को चलना होगा, एक हफ्ते के लिए तीर्थराज प्रयाग, रहने खाने की सारी व्यवस्था सब वहां रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक हफ्ते का समय निकाल के तीर्थराज प्रयाग में चलना है भगवान की कथा सुनने के लिए। अब सच बताऊं, गंगा के तट पर कथा सुनने का तो जितना फल है आप जानते हो, परीक्षित जी कथा सुने तो गंगा के तट पर, नारद जी कथा सुने तो गंगा के तट पर, गांव में घर में परिवार में कथा सुनने का तो अवसर मिलता है, लेकिन गंगा के तट पर प्रयागराज में कथा सुनने का अवसर सबको नहीं मिलता। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती तब मिलता है, लेकिन हम सब जब गंगा में जाएं, प्रयाग में जाएं या अयोध्या जाएं, स्नान करें तो उसमें अपने वस्त्र का प्रक्षालन ना करें। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ये पावन मंगलमय कथा सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को सुनाए हैं। आज भगवान 7 वर्ष के हो गए हैं, समस्त ब्रजवासी आज तैयारी बना रहे हैं इंद्र की पूजा के लिए। भगवान ने कहा अब इंद्र की पूजा नहीं, अब पूजा होगी तो गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। समस्त ब्रजवासियों को भगवान ने तैयार किया गोवर्धन नाथ की पूजा के लिए। और यहाँ पर भी हमारे मुख्य यजमान श्री भगवान सिंह जी बहुत बढ़िया नंबर एक की व्यवस्था की है। हाँ, गोवर्धन पूजा की व्यवस्था है, 56 प्रकार का व्यंजन सब सज गया है। भैया नागेंद्र सिंह शिव सिंह जी ने अथक प्रयास करके इतने बढ़िया ये आयोजन को समुचित ढंग से समाप्ति की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आवाज से निवेदन कर दूं एक बार हमारे मुख्य यजमान जी के लिए कम से कम तालियों से सेवा तो कर दो, इतना बढ़िया आयोजन चल रहा है। गोवर्धन पूजा यहाँ भी प्रारंभ हो रही है, जिन भक्तों को गोवर्धन पूजा में भाग लेना हो वही लाभ फल मिलेगा जो आपको वृंदावन में जाकर के गोवर्धन की परिक्रमा लगाने से दर्शन करने से मिलता है। अब वहां जाएंगे तो 1,000-2,000-10,000 का किराया भाड़ा भी लग जाता है, यहाँ कुछ नहीं। इतना बढ़िया आयोजन भैया नागेंद्र सिंह जी ने किया है कि आज वही गोवर्धन पूजा का पूरा फल, दर्शन का फल यही मिलने वाला है। तो भगवान ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन की पूजा करवाने के लिए तत्पर हैं। समस्त ब्रजवासी सद धज करके पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी हलवा मालपुआ 56 प्रकार का व्यंजन बनाए और लेकर के चल पड़े। यहाँ पर हमारे मुख्य यजमान जी पधार रहे हैं और ब्रजवासियों के साथ जैसे भगवान ने पूजा कराई थी वैसी पूजा का प्रारंभ हो रहा है। हरि ओम। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादस्वामरुतः प्रश्नीमातरः शुभं जावानो विदधे घोषगमायाः अग्निर्जिह्वा मनमः सूर्य चक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्वं सस्तनोभिर्वसे मही देवाहितं जदायुः सतमिह्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान मध्यारिरिखतायुर्गन्तो द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। मान परिवार के सदस्यगण, आज शुद्ध जल और पया से दूध से गोवर्धन नाथ को
स्नान करा रहे हैं। यह विश्वानी देव सवितरिता परा सुव यद्रम तन्नया सुव हरि ओम पय पृथिव्याम पय अवकधीसो पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वती ही प्रदिशाः संतो महियाम। वस्त्र के उपरांत यज्ञोवित धारण करा रहे हैं। यज्ञोपवीतम् परमं पवित्रम् प्रजापतिर्जस् सहजम् पुरस्तात् आयुष्यमग्नम् प्रतिमुञ्च शुभ्रम् यज्ञोपवीतम् बलमस्तु तेजा यज्ञोवीतान्ते दुराचमनीयम् जलम् समर्पयामि श्री गोवर्धननाथाय नमः। तत्रादौ चंदनानुभरणम् रोली हल्दी से गोवर्धन नाथ जी को सजा दें, चंदन लगाएं। गंधद्वाराम दुराधरसाम नित्यपुष्टाम करीषणीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपहवे श्रियम्। अक्षत अक्षताश्च सुरः श्रेष्ठ कुमकुमांकः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर अक्षतम् समर्पयामि पुष्पम् पुष्पमालाम् माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम् प्रतिगृह्यताम्। धूप दीप आदि से पूजा कर रहे हैं। गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाएंगे। 56 भोग लगा हुआ है और यथाशक्ति नैवेद्य और भोग की सामग्री अर्पण कर रहे हैं। चंद्रमा मनसो जातः जगजो सूर्यो वजायत मुखादग्निर्य जायत साज्यम च वर्ति संयुक्तम वाहनिनाम योजितम मया दीपम गृहाण देवे सत्रैलोक्यतिमिरापहम दीपम दर्शयामि जलेन शीतलीकरणम श्री गोवर्धन नाथाय नमः। तत्रादौ नैवेद्य 56 प्रकार का जो भोग है मन में ध्यान करते हुए 5 बार जल का अर्पण करेंगे। हरि ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगम् शेषणोर्ध्वोः समावर्तत पदभ्याम् ॐ हृदि सा श्रोत्रास्तथा लोका अकल्पयन् शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यान्ते याचमनीयं जलं द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातापतिरेकयासीत् सुधाधार विद्याम कसमय देवाय हविका विधेयम्। बोली गोवर्धन नाथ भगवान की जय। परिवारी जन परिक्रमा लगाएंगे। श्रद्धा सुमन हाथ में इच्छत फूल लेकर के गोवर्धन नाथ पर अर्पण करेंगे। और जिन भक्तों को दर्शन करना है परिक्रमा लगाना है, ज्यादा भीड़ मत लगाएंगे, एक ही लोग आते जाएंगे, दर्शन करके अपने जीवन कृतार्थ करते रहेंगे। और हम आप सब आए गोवर्धन पूजा का बढ़िया आनंद ले मस्ती में झूमते हुए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाथ ऊपर करके मस्ती में जमते विराजे या भगवान ने ब्रजवासियों से पूजा कराई थी। अरे दमाल कम से कम सेवा तो करे करतल ध्वनि की जय हो राधे। फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े
चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन तारा और जिन भक्तों को परिक्रमा लगाना हो तेरे गोवर्धन जी का अक्षत फूल अर्पण करना हो श्री गुरुदास सिंह भाई राधे के बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही भजन जाएंगे राधे जय हो एक साथ हाथ उभर करके जय हो कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा तेरी साथ कोस की परिक्रमा थोड़ी पे ही लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मस्ती में हाथ ऊपर करके झूमते विराज रहे साज रहा तेरे गले में कंठा साज रहा तेरे गले में कंठा साज रहा तेरे गले में कंठा साज रहा तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन बोले गोवर्धन नाथ भगवान की। आज की कथा को ही विश्राम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे, प्रेम के साथ आरती प्रसाद लेके जाएंगे। कल की कथा में हम आप सब अनेक दिव्य भगवान की चरित्रों को सुनते हुए कल भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ इस धरा धाम पर मनाया जाएगा। सभी परिवारी जन हमारे मुख्य यजमान भगवान की पवभुजी में सम्मिलित होंगे। कल यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान और रुक्मिणी कृष्ण भगवान का विवाह बढ़िया जयमाल पड़ेगा, बढ़िया दिव्य झांकी का दर्शन होगा, बढ़िया फेरे लगेंगे। सारी व्यवस्था हमारे मुख्य यजमान जी करेंगे। कल आप सभी भक्तों से निवेदन है, कल अवश्य इस मंगल कार्य में पधारें, भगवान की विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर के अपने जीवन का कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य करें। आए हम आप सब भगवान की मंगलमय आरती और प्रसाद लेकर के आप भक्तगण जाएंगे। बिना आरती बिना प्रसाद के कोई भक्त जाएंगे नहीं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत स्रोतात् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत हे गिरिधर तेरी आरती गाओ 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 आरती गाओ प्यारे तुम को रिजाओ
जाऊं प्यारे तुम्हें कर जाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखे छवि बलिहारी जाओ देखे छवि बलिहारी जाओ गिरिधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं दासिया नाथ के नाथ आप हो दासिया नाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे सास आप हो उन चरणों में शीश झुकाओ उन चरणों में शीश झुका हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ हे गिरिधर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम उजगिर हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्याधरम् त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री गोवर्धन नाथाय नमः आरती दर्शयामि अपने अपने स्थान पर एक एक परिक्रमा